बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइटनिंग सोप, एलोवेरा वाइटनिंग सोप। तो ये है हमारे पास सोप बेस, जो कि मैंने कट करके क्यूब्स में बनाकर रखी हुई है। पहले लेंगे एक एलोवेरा का फ्रेश पत्ता, इसको हम इसके जेल निकाल लेंगे। इसकी जेल निकालने के बाद इसको हम करेंगे थोड़ा सा ग्राइंड, ग्राइंड कर लेंगे, नहीं तो इसी से निकाल लेंगे छुरी से, बारीक बारीक सा ना उसका जेल बना लेंगे क्यूब्स में डालने के लिए। ये इसकी जेल निकाल लेते हैं हम। फ्रेश एलोवेरा तो आपको पता है स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस इसका ये ग्रीन पार्टिकल जो है ना, ये हमने ज़रूर निकालना है हर दफ़ा। अगर आपने तेल वगैरह में डालना हो तो फिर आप इसका ग्रीन ना भी निकालें तो चलेगा। इसको हल्का हल्का हम ऐसे छुरी या कांटे की मदद से ऐसे ऐसे करते जाएंगे हल्का हल्का इसको, तो ये हमारा जेल नीचे निकलता रहेगा। इसका जेल हमने डालना है, इसके जो मोटे मोटे क्यूब्स निकल रहे हैं वो नहीं डालने, जेल डालना है हमने। ये देखें, आप देख रहे होंगे कैसे वो नीचे खुद ही जल जाई जा रहा है, तो बस वो ही हमने साबुन में डालना है। बड़ी मुश्किल से हो रहा है वो ना, मेरे हाथों से स्लिप हो रहा है सारा, ऐसे जैसे मैंने मछली पकड़ी। फिश को जब हम पानी से वो निकाल के, बचपन में जब निकालते होते थे ना उसको पानी में से, जो हमने गर्म घरों में ला के रखते थे, तो वो हाथ में नहीं आती थी। ये वो वाला मुझे चक्कर लग रहा है, क्योंकि ऊपर से तो है ही वो सारा मेरा हाथ जो है ना ये जेल वाला हो गया, तो वो बिल्कुल उसी वाला वो सीन मुझे याद आ रहा है। मैं इधर से पकड़ती उधर से निकल जाता है, उधर से पकड़ती उधर से निकल जाता है। ये बड़ी आसानी से आराम से हमारा जो जेल है वो हमें लिक्विड की शक्ल में निकल आता है। वैसे करें ना हम अगर, तो वो क्यूब्स की शक्ल में, और वो बिल्कुल मेल्ट भी नहीं होते, और ना ये जो क्यूब्स अगर हम निकालें तो इसमें भी जा रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ज़्यादातर जेल ही जा रही है। ये सारी जेल निकल आई है, ये आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जेल है, पूरी प्योर जेल है, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं है, पूरी वो मैंने आराम आराम से छुरी की मदद से ही निकाल ली है, तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें डालेंगे हम सोप बेस। ये जो सोप बेस पड़ी हुई है मेरे पास, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हम बनाएंगे डबल बॉयलर मेथड के तहत। इसमें सारा कुछ नहीं डालना, बाकी चीज़ें इसमें बाद में डालेंगे, पहले हम ये जो है इसको डबल बॉयलर मेथड पे, इसमें एलोवेरा में ये जो हमारा सोप बेस है इसको हम मिक्स कर लेंगे। और एलोवेरा जेल, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच रोज़ वाटर, क्योंकि ये हम बना रहे हैं वाइटनिंग के लिए और यंगर स्किन के लिए। 1 चम्मच भर के, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन ई के। एक सोप है तो इसमें, एक सोप में एक कैप्सूल बहुत है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको हम डाल देंगे एक सोप मोल्ड में। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस सारी चीज़ें, सोप बेस में मिक्स हो जाए। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं, इसको हम डाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए
रख देंगे इनको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे ओवरनाइट इनको छोड़ देंगे ना, साबुन हमारा साबुन की शक्ल में आ जाएगा तो हम इसको निकालेंगे सुबह, तो मैं आपको इंशाल्लाह सुबह दिखाऊंगी। ये मैंने 24 आवर्स के लिए रखा था इसको, तो ये देखें ये कितना खूबसूरत एलोवेरा सोप बन गया है। ठीक है ये जी, ये आप देख लें। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी सांचे में किसी, ये ऐसे ही बहुत अच्छा, ये देखिए पूरा जेली सोप, पूरा खूबसूरत जेली सोप हमारा तैयार है, एलोवेरा जेल सोप।